नमस्कार सलाम, नमस्कार सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इमूंस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी स्वीट कॉर्न का की पकौड़े। स्वीट कॉर्न पकौड़े बनाने के लिए हमने लिया है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न ये है, आजकल का सीज़न है तो स्वीट कॉर्न खूब मिल रहा है। उबले आलू 3 ली हूँ, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ये सब हमने काट लिया। स्वीट कॉर्न को हमने छील के कच्चे ही पीस लिया है। पीसने के बाद ये ऐसा दिखता है। तो इसमें हम सारी सामग्री को मिलाएंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बेसन और डाल के हम बनाएंगे पकौड़े। इसके पकौड़े सीजन कितने अच्छे लगते हैं, और स्वीट कॉर्न के तो स्वीट कॉर्न तो वैसे भी मीठा होता है और पकौड़े और अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आजकल सीजन में खूब आ रहा है, तो इसको आलू को हम पोटैटो मैशर से मैश करके फिर हम बनाएंगे पकौड़े। इसका इंग्रेडिएंट्स है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को हमने दो स्वीट कॉर्न है इसका, हमने छिलका वो बीज निकाल लिया, बीज निकाल के रख लिए थे, और आज हम उसको आधे को पूरे को पीस लिए हैं। थोड़ा सा बीज आपको दिखाने के लिए, इतना स्वीट कॉर्न को रख लिए हैं। 3 आलू है और हरी धनिया है, हरी मिर्च है और प्याज है। इसको काट के और हम थोड़ा सा लेंगे, 1/4 कप लेंगे हम बेसन, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, जीरा नमक, हल्दी तो नहीं डालना है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये टू द टेस्ट होगा, आप इसको डाल दीजिए और इसके गरम गरम पकोड़े सेक लीजिए। इसके पकोड़े बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। इसका चीला बनाना है तो चीला बना सकते हैं, डोसा बनाना है तो डोसा बना सकते हैं। घोल को थोड़ा सा पतला करके इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दीजिए, तो कुरकुरे आपके डोसे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं स्वीट कॉर्न पकौड़ा। इतने अच्छे स्वीट कॉर्न आ रहे हैं आजकल ये बरसात के सीज़न में, कि बहुत उतने मीठे ही हैं, उतने ही अच्छे दाने हैं। इसके दाने हमें मोटे नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध वाला दाना हो उसी को हमें उपयोग करना है। तो चलिए इसको मिलाना शुरू करती हूँ मैं। अब इस स्वीट कॉर्न को जो हम बचा के रखे हैं, इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे और पीस के मिक्सर ग्राइंडर में उसमें मिला देंगे, ताकि इसका और अच्छा टेस्ट आए। ये हमने 1/4 कप बेसन लिया है, बेसन को हम इसमें मिलाएंगे और फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे। बेसन यदि हम नहीं मिलाएंगे तो ये बिखर जाएगा। तो चलिए इसको बेसन मिला के पकोड़े बना के फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, हमने 1/4 कटोरी बोला था, पर 1/4 कटोरी मुझे बेसन और डालना पड़ा। थोड़ा सा हींग और कच्चा जीरा डाल के हमने इसमें मैश कर लिया। अब इसके हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पकोड़े बन के तैयार हो गए। इसको टमाटर सॉस या फिर धनिया मिर्ची और दही की चटनी के साथ इसको खाइए। बहुत शानदार पकोड़े बने हैं। उम्मीद है आप इसे बनाएंगे, खाएंगे और मूंस किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करेंगे। ये है कॉर्न और बेसन का पकौड़ा।